है जो आपके वार्ड में बचा हुआ है? वार्ड 44 में गंदगी बहुत ज़्यादा है, खिमनी चक एरिया में बहुत ज़्यादा है। हर घर के आगे इतने नाले बह रहे हैं, अभी डेंगू का प्रकोप है, जगह जगह पर कचरे देख रहे हैं कि फेंका है, से उठाने की सुविधा दी जाए। और मेन मुद्दा है कि पुलिया खिमनी चक का जो है कब टूट जाएगा, बहुत डेंजरस है। मैं जीतू उसके बाद सबसे पहले पुलिया का मान कराऊँ। आप अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में क्या, आप उम्मीद क्या करती हैं, आप अपने जीत को लेकर क्या कितनी आश्वस्त हैं, जनता का कितना सपोर्ट है? जनता का भरपूर सपोर्ट है मेरे लिए। जहाँ जा रही हूँ डोर टू डोर मिल रही हूँ, हर कोई कह रही है कि आपकी जीत होगी। हमारा सरकार ही होगा और हम लोग ही होंगे। सब्जी मंडी का निर्माण कराना, उन लोगों को दुकान देना, उन लोग सही ढंग से अपने निकाय चुनाव में कहाँ पे आप लोग हैं? देखिए, हम लोग का जीत सुनिश्चित है, जनता का पूरा भरपूर प्यार और स्नेह मिल रहा है और जीत पक्की। क्या काम है जो आप लोग की प्राथमिकता में रहेंगे? सबसे पहला काम है कि खिमनी चक पुलिया का निर्माण कराना। जीतने के बाद सबसे पहला काम मेरा है खिमनी चक पुलिया का काम कराना। दूसरा है कि जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं उनका पक्का मकान का व्यवस्था करना। तीसरा मुद्दा है कि सब्जी बेचने वाले, तीन सब्जी मंडियां आती है वार्ड 44 में, राजेंद्र नगर, हनुमान नगर और खिमनी चक, इन लोगों को कहीं भी आश्रय नहीं है, रोड पे बेचारे इन लोग बेचते हैं। इन लोगों के लिए छोटा जगह ही हो लेकिन इन लोगों का व्यवस्था होना चाहिए।